छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अपर्णा मौजम। पहाड़ से मैदान तक इस वक्त बाढ़ बारिश ने हाहाकार मचाया हुआ है। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की तस्वीरें बार बार सामने आ रही हैं। चमोली के निजमुला घाटी में लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई हैं। हिमाचल में एक बार फिर बादल फटा है। शिमला जिले में बादल फटने से करीब 14 लोगों की जान जाने की खबर है। यार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, रेस्क्यू ऑपरेशन लगा चल रहा है। शिमला की अगर बात की जाए तो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी का देखिए किस तरह से रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। बात यूपी की करें तो वहां पूर्वांचल में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। बाढ़ की वजह से काशी के मणिकर्णिका घाट पर बनी छतों पर अब अंतिम संस्कार हो रहे हैं। गंगा आरती को सांकेतिक कर दिया गया है। जलस्तर बढ़ता रहा तो गंगा आरती गलियों में होगी। कानपुर में भी गंगा उफान पर है। प्रयागराज की बात की जाए तो संगम का पानी बाढ़ का रूप ले रहा है। गंगा और यमुना की धारा गांव और शहरों तक पहुंचने लगी है। लेटे हनुमान जी का मंदिर पूरी तरह जलमग्न देखा जा रहा है। मिर्जापुर में गंगा में हो रहे कटान से लोगों में दहशत है। जबलपुर में गौर नदी के कटिया घाट में नहाने गई महिला पानी के तेज बहाव में बह गई। बताया जा रहा है कि नहाने के दौरान महिला का पैर फिसला और वो तेज बहाव में बह गई। सूचना के बाद एसडीआरएफ और होमगार्ड सैनिक महिला की तलाश में जुटे। ये आप देख सकते हैं कि एसडीआरएफ किस तरह से महिला की तलाश कर रही है। महिला यहाँ नहाने गई थी और तेज बहाव में डूब गई। जबलपुर में गौर नदी के कटिया घाट में नहाने गई महिला पानी के तेज बहाव में बह गई है। नहाने के दौरान महिला का पैर फिसला और वो बह गई। पवन पटेल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। पवन, क्या जानकारी है अभी रेस्क्यू ऑपरेशन की? जी बिल्कुल, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एसडीआरएफ की टीम, होमगार्ड और पुलिस मौके पर मौजूद है। कटिया घाट में लगातार महिला की तलाश के लिए अभियान चलाया जा रहा है। सुबह करीब 9:30 बजे की घटना बताई जा रही है, जब वर्षा श्रीपाल नाम की महिला कटिया घाट में नहाने के लिए पहुंची थी और इसी दौरान उसका पैर फिसल गया। और चूंकि बारिश लगातार हो रही है तो नदियों का बहाव तेज है, उस पानी में महिला गिर गई, जिसके बाद उसको बचाया नहीं जा सका। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद तमाम जो विभाग है, होमगार्ड और एसडीआरएफ मौके पर पहुंचे और तलाश शुरू की। फिलहाल अभी तक महिला का कोई भी सुराग नहीं मिला है, अभी भी पता नहीं चल पाया है। जी धन्यवाद पवन आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वही खंडवा में नर्मदा नदी के दो नाव डूब गई। ओंकारेश्वर घाट के पास ये हादसा हुआ। नाविकों ने तैरकर अपनी जान बचाई है। नर्मदा में उफान के चलते ये हादसा हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं तो नाव तो डूब गई लेकिन नाविकों ने तैरकर अपनी जान बचा ली। नर्मदा में ये उफान पानी का आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो हालात है कितने भयावह बने हुए हैं। बड़वानी में उफान पर है नर्मदा नदी। राजघाट का पुराना पुल जलमग्न हुआ। मंदिर और दुकानों तक पानी पहुंच गया। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिया। नर्मदा कछार में अलर्ट जारी किया गया। खतरे के निशान से 5 मीटर ऊपर नर्मदा नदी बह रही है। तो जशपुर के बगीजा विकास खंड के ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बड़वानी में उफान पर है यह नर्मदा नदी। राजघाट का ये पुराना पुल अब जलमग्न हो चुका है। मंदिरों और दुकानों तक वहां पर पानी पहुंच गया है। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आप देख सकते हैं लोग किस तरह से वहां पानी के रास्ते को पार कर रहे हैं। प्रदेश में हो रही लगातार बारिश का असर अब जो है राजघाट में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं राजघाट में और देख सकते हैं सड़क जो है पानी से लबालब भर जा चुकी है। और जो वहाँ राजघाट के रहने वाले हैं वो भी अब धीरे धीरे अपना सामान लेकर के और राजघाट छोड़ करके वापस बड़वानी की तरफ आ रहे हैं। कहाँ रहते हो? नहीं, राजघाट के रहने वाले हैं पर पुनर्वास चले गए। पुनर्वास चले गए हो तो अभी यहाँ से ये क्या सामान लेकर के? दुकान का सामान लेके आ रहे हैं, अचानक पानी बढ़ गया तो इस कारण आप खाली करके
चला रहे उधर से। किस चीज की दुकान लगाते हैं? नरियल प्रसादी की। नरियल प्रसादी की। और वहाँ पर कितने लोग होंगे अभी गांव में मौजूद? अभी तो फिलहाल कोई नहीं, सब आ चुके। तो हम जहाँ खड़े हैं ये सड़क है जो कि राजघाट और बड़वानी को जोड़ती है, उसी सड़क मार्ग पर हम खड़े हैं और अब यहाँ पर जो है जो भी सफर तय करना है इस सड़क पर करना है, लेकिन नाव के माध्यम से, किसी वाहन के माध्यम से नहीं। जशपुर के बगीचा विकास खंड के भेड़िया में घग्या नाले पर बना रपटा टूट गया। इसकी वजह से गांव के कई मोहल्ले पूरी तरह पानी में डूब गए। गांव का मुख्य मार्ग से संपर्क टूट गया है। इसकी वजह से गांव वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगली खबर बलरामपुर से है। बाइक समेत युवक नाले में बह गया। चंबोथी में नाला पार करते समय युवक बह गया। गांव वालों ने रस्सी के सहारे युवक को बाहर निकाला। युवक और बाइक को गांव वालों ने निकाला। नाले पर पुल नहीं होने की वजह से यह हादसा हुआ। विजयनगर पुलिस चौकी क्षेत्र की घटना है। बारिश की वजह से नदी नाले उफान। तो युवक को बाहर निकालने की यहां पर यह कोशिश की जा रही है। नाले पर पुल नहीं था तो गांव वालों ने बड़ी मशक्कत के बाद उस युवक को यहां से बाहर निकाला। तो पुल नहीं होने की वजह से यह हादसा हुआ। युवक बाइक समेत ही बहने लगा तो गांव वालों ने बड़ी मशक्कत के बाद युवक को बचाया। तस्वीरें आप देख रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। जशपुर में डोड़की नदी उफान पर है। अंग्रेजी शराब की दुकान में पानी घुस आया। शराब की बोतलों से भरे कार्टून गिर गए। शराब की बोतल टूटने से भारी नुकसान पहुंचा है। बगीचा नगर पंचायत में शराब की दुकान है। नदी के किनारे शराब की दुकान में पानी घुस आया। तस्वीरें आपको दिखा रहे एक्सक्लूसिव जशपुर की, जहां डोड़की नदी उफान पर है और किस तरह दुकानों में पानी घुस आया है वो आपकी स्क्रीन पर। चंपावत के टनकपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां किरोड़ा नाले में एक बुलेरो पानी के तेज बहाव में बह गई। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई जबकि दो लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। छह लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। बताया जा रहा है कि बुलेरो सवार पूर्णगिरी से रुद्रपुर जा रहे थे, इसी दौरान ये हादसा हो गया। बालाघाट में दलदल सड़क से गुजरी शव यात्रा लड़खड़ाते कदमों से गांव वाले शमशान घाट पहुंच पाए। बारिश के चलते ये सड़क देखिए जो पहले से ही खराब थी वो दलदल में तब्दील हो गई। सड़क की मांग पर प्रशासन गंभीर नहीं है। इन लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है, इनका आरोप है। हट्टा क्षेत्र के चिखला ग्राम का ये मामला है। सोशल मीडिया पर अब ये दलदल वाली सड़क वायरल हो रही है। अगली खबर कोरबा से है, जहां बारिश के पानी में सड़क बह गई। कई गांव का मुख्य मार्ग से संपर्क टूट गया। डोडा तराई जाम पानी गांव का संपर्क टूटा। छाता पाठ लबेद सुपा तराई का संपर्क टूटा है। पानी के बहाव से सड़क कटती चली गई। चमोली के निजमुला घाटी के गौणा गांव के पास जबरदस्त लैंडस्लाइड हुई है। इसकी तस्वीरें मोबाइल में कैद की गई हैं। पहाड़ों पर लगातार बारिश के चलते लैंडस्लाइड हुआ है। हालांकि इससे अभी कोई नुकसान की खबर नहीं है।
उत्तराखंड के सोनप्रयाग में जगह जगह पहाड़ से भारी पत्थरों के गिरने से कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। वहीं फंसे हुए लोगों का सेना अस्थायी पुल बनाकर रेस्क्यू कर रही है, लेकिन पत्थरों की चपेट में अस्थायी पुल आ जाने से रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हो रही है। वहीं सोनप्रयाग में अब तक करीब 300 लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया जा चुका है। अगली खबर हिमाचल प्रदेश से है, जहां बादल फटने से बड़ा हादसा हुआ। श्रीखंड के समेचर बागी पुल के पास पानी के तेज बहाव में 45 लोग बह गए। बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ की टीम ने 13 लोगों के शव बरामद किए हैं। इलाके में राहत और बचाव अभियान जारी है, लापता लोगों की तलाश की जा रही है। इलाके में हो रही बारिश के कारण बचाव कार्य में दिक्कतें आ रही हैं, कई जगहों पर भूस्खलन भी हुआ है। इसके अलावा मंडी जिले में चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ है। यहां पहाड़ से गिरे मलबे में ट्रक और पिकअप गाड़ी फंस गई। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। छतरपुर के जटाशंकर धाम में एक बार फिर मूसलाधार बारिश हुई है। बारिश की वजह से पूरा मंदिर परिसर जलमग्न हो गया, चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। झरने से निकलने वाला पानी देखते ही बन रहा है। शिव भक्तों ने इस मनोरम दृश्य का लुत्फ उठाया। बारिश की वजह से जटाशंकर धाम किसी हिल स्टेशन की जैसा नजर आ रहा है। जटाशंकर धाम पहाड़ों और जंगलों के बीचों बीच है, श्रद्धालु यहाँ प्रकृति का आनंद भी ले रहे हैं। सरगुजा जिले में देर रात से झमाझम बारिश जारी है। रुक रुक कर लगातार हो रही बारिश की वजह से पूरे जिले में बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। जिले से होकर गुजरने वाली सभी नदी नाले उफान पर हैं। तो पेरिस ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतने के बाद नीरज चोपड़ा से बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, सुनते हैं। तगड़ा था और ऐसी सिचुएशन में भी थ्रो करना और मेडल लेके आना कंट्री के लिए उसकी खुशी है जी। नहीं, आपने बहुत अच्छा किया है और आपने तो पिछली बार भी मुझे याद है आपने आपके प्रतिस्पर्धी के खेल की तारीफ की थी जी, और आपने तब भी मुझे कहा था कि उसका मुकाबला बड़ा सचमुच में तगड़ा होता है। हाँ जी, और इंजरी के बावजूद भी आप ये मैनेज करते हैं, मैं समझता हूँ नहीं बिल्कुल सर, काफी अच्छा रहा और वही है कि ये तो सिलसिला चलता रहेगा। गेम में स्पोर्ट्स में अप डाउन्स, और अभी आगे और ज्यादा मेहनत करेंगे और बाकी आगे गेम्स आ रहे हैं तो वो खेल लेंगे सर अच्छे से। आपकी माता जी भी कभी खेल कूद में रही थी क्या? नहीं सर, फैमिली से कोई नहीं रहा, पर ये है कि यहाँ हरियाणा में वो माहौल जरूर है खेल का, तो कुछ ना कुछ पहले बचपन में खेल रहे होंगे जी। उसमें एक जो स्पोर्ट्स परिवार का स्पिरिट होता है, हाँ जी, वो बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने कहा। जब उनको कहा बोल का उन्होंने कहा वो भी तो मेरा बेटा है। ये स्पिरिट है, मैं तो बहुत सचमुच में आपके परिवार को भी बधाई देता हूँ। नहीं बिल्कुल सर, क्योंकि ये स्पोर्ट्स में सर वही है, जुड़े रहते हैं। हाँ सर, स्पोर्ट्स में अप डाउन वो चलता है। अब ऐसा काफी अपना दिन रहता था, भगवान अपने साथ होता था कि हम गोल्ड जीतते थे, और गेम में वही है कि अब अरशद ने जीता है तो वही है, जिसका दिन होता है सर उसी को मिलता है वो उस दिन, तो जैसा हमारा टोक्यो में था। लेकिन आप लोगों की मेहनत होती है और आप बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। बिल्कुल सर, अपनी इंजरी के बाद भी जो मैनेज किया है ना वो वाकई बहुत ही अद्भुत है जी, और उसमें तो एक स्पिरिट मुझे देश के लिए कुछ करना है वही तो ड्राइव करता है। बिल्कुल सर, ये भी तो काफी बाकी है सर। आप मन में से गोल्ड वगैरह निकाल दीजिए। हाँ सर, अब तो निकल ही गया वैसे ही। बहुत बड़ा गोल्ड है। नहीं सर बिल्कुल, ये तो सर चलता रहेगा, जब तक गेम चल रहा है तो हमेशा रिजल्ट तो उसी दिन डिसाइड होता है, पर अपनी तरफ से सर मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, वो ज्यादा ही करेंगे आगे, और जब तक खेल लेंगे अपनी कंट्री के लिए हमेशा जितना अच्छा कर सकते हैं। और बहुत नई नई ऊंचाइयों को पार, और आपने वैसे भी दो बार ओलंपिक जीतने वाले बहुत इन्हीं लोग होते हैं, उस
उसमें तो आपने अपना नाम दर्ज करा ही दिया। बिल्कुल सर, चलिए मेरी तरफ से आपको बहुत बधाई और आपके माता पिता को भी मेरा प्रणाम। थैंक यू सो मच सर, और मेरी बहुत शुभकामनाएं, और आप मुझे जब भी मिलोगे जी सर हमें इंजरी की डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है सर, ये हाँ जी कि इसका क्या उपाय हो सकता है और हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर जी, थैंक यू सो मच। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। थैंक यू सर, टेक केयर, नमस्ते सर। तो पेरिस ओलंपिक्स में जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता और देश का नाम एक बार फिर रोशन किया, इसीलिए प्रधानमंत्री ने उन्हें बधाई के लिए ये फोन किया था। और इसमें न सिर्फ नीरज चोपड़ा के प्रयासों की बल्कि उनके माता पिता की भी बहुत तारीफ की कि जिस तरह का सकारात्मक रवैया उनकी माँ ने दिखाया और उसकी खेल भावना की बहुत तारीफ की, और पूछा भी कि क्या आपकी माता जी भी कोई खेल खेला करती थी, क्योंकि वो उन्होंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का परिचय दिया है। जिस तरह से पाकिस्तानी खिलाड़ी के गोल्ड मेडल जीतने पर नीरज चोपड़ा की माताजी ने कहा था कि वो भी मेरा ही बेटा है, और आज सिल्वर जीतकर नीरज चोपड़ा ने भी एक बार फिर देश का नाम रोशन किया है। इसी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पर पीएम ने नीरज चोपड़ा नीरज से उनकी मां की खेल भावना की तारीफ की है। साथ ही उनकी इंजरी को लेकर भी कहा कि जब हम मिलेंगे तो इंजरी पर आपकी डिटेल में बात करेंगे और बात करेंगे कि हम इस इंजरी के लिए क्या कर सकते हैं। और एक बार फिर बात करते हैं जल प्रलय की। बलरामपुर में रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है, इसकी वजह से जिले से होकर गुजरने वाली सेंदूर नदी का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं जिले से होकर बहने वाले नदी नाले भी उफान पर हैं, साथ ही हेयूर नदी भी उफान पर है। इससे लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो अलग अलग जगहों की तस्वीरें, वहां के हालात, ये अजमेर की तस्वीरें जहां बारिश के चलते 3 मंजिला इमारत गिर गई। गनीमत ये रही कि कैसरगंज वाली गली में इमारत गिरने से जनहानि नहीं हुई, फिलहाल वहां से मलबा हटाने का काम जारी है। बारिश का कहर और इस कहर में जान जोखिम में डालते लोग, रपटे से पंगा लेते लोग, लोग हैं कि मानते नहीं। बारिश की वजह से मंदिर में जाने पर प्रतिबंध है, लेकिन किसे है नियमों की परवाह। अब कुदरत के कहर का खामियाजा भूस्खलन के तौर पर देखा जा रहा है। सांसें रोक देती हैं ये तस्वीर, आखिर पानी से पंगा क्यों भाई, जान को जोखिम में डालना क्यों। सूरजपुर में बारिश का कहर जारी है, नदी नाले उफान पर हैं, लोगों को कई बार हिदायत भी दी गई कि ऐसी जगह पर ना जाएं, कोई जोखिम ना उठाएं, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। लाइव देखिए बाइक सवार जान जोखिम में डालकर कैसे रपटा पार कर रहा है। बाइक सवार हिमाकत तो करता है, लेकिन ये हिमाकत उस पर ही भारी पड़ जाती है, रपटे पर बैलेंस बिगड़ता है और बाइक सवार फिसल जाता है। उडंगी ब्लॉक के धरसेड़ी गांव का ये वीडियो है, अब अगले ही पल लोग भी घबरा जाते हैं। वो तो गनीमत थी कि इस बाइक सवार को लोगों ने बचा लिया, बाल बाल बची बाइक सवार की जान। सूरजपुर में रोंगटे खड़े करने वाली ये तस्वीर, तो अब दमोह में उफनता नाला पार करते वक्त ट्रैक्टर ट्रॉली बह गए। मडियादो थाना इलाके के कंचन नाले का ये मामला है, नाला पार करने की यहाँ भी हिमाकत की गई, नतीजा सामने है। नाला पार करने के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली ऐसे पानी की लहरों के बीच फंस गई, ट्रक ड्राइवर ने कूद कर जान बचाई। खबर लगते ही मार्ग को बंद किया गया, उसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉली को बाहर निकालने की कोशिश की गई। तस्वीर नंबर 3 बैतूल के मुलताई की, ताप्ती सरोवर ओवरफ्लो हुआ, सूर्य मंदिर की सीढ़ियों से खूबसूरत नजारा जरूर दिख रहा है, सुंदर झरने की तरह, लेकिन सरोवर ओवरफ्लो होने की वजह से मंदिर में लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सड़कों पर पत्थर और गिरे पेड़, ये भी बारिश के कहर की गवाही देती तस्वीरें हैं। मनेंद्रगढ़ में नेशनल हाईवे 43 के जमदुआरी घाट में लगातार हो रही बारिश से भूस्खलन हो रहा है, ऐसे में कोई बड़ा हादसा हो सकता है।
लगातार मिट्टी का कटाव हो रहा है, जिसमें कुछ पेड़ गिरे हुए हैं, कुछ लटके हुए हैं, चट्टान पत्थर सड़क पर बिखरे हुए हैं। इधर भिंड में चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने से दर्जनों गांवों में बाढ़ की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। कोटा बैराज के गेट खुलने के बाद तूफान पर चंबल नदी, तो इस बेईमान मौसम में कुदरत के इस क्रोध काल में जरा सावधान रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब देखते हैं टॉप 20।